दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है स्टॉक सिलेक्शन के अंदर कि स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें। कई बार तो हम ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन कर लेते हैं जो मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट देता ही नहीं है। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ इंट्राडे का, वो रूल आप फॉलो करेंगे तो आप इंट्राडे के अंदर बड़े मूवमेंट वाले स्टॉक्स बहुत इजीली पकड़ पाएंगे। देखिए इंट्राडे के अंदर एक सिंपल लॉजिक क्या है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपके पास 6.5 घंटे हैं। अगर आप इक्विटी या ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं, कमोडिटी में चलिए लंबा टाइम आपको मिलता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं, फ्यूचर्स वगैरह कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो आपके पास 6.5 घंटे है। उन 6.5 घंटे के अंदर आपको जज भी करना है कि कौन सा स्टॉक मूवमेंट दे सकता है, कब मूवमेंट दे सकता है, और 6.5 घंटे के अंदर आपको अपना प्रॉफिट लॉस भी बुक करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर मूवमेंट दे सके। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं तो उस समय आपको ट्रेड लेना पड़ेगा जब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए कि मार्केट आज तेजी से एक मूवमेंट दे सकता है। अगर वो मूवमेंट आप कैप्चर कर पाए तो ही इंट्राडे में पैसा कमा पाएंगे, अदरवाइज इंट्राडे में अगर मार्केट साइडवेज ही रह गया, ऊपर नीचे ही एक जगह कहीं ना कहीं मूव करता रहा, तो इस केस में होता क्या है कि ज्यादातर आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो जाते हैं और वो थोड़ा 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 लॉस करके बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कई बार तो हम स्टॉप लॉस ही नहीं लेते, फिर एक मूवमेंट आ गया आपके अगेंस्ट तो बड़ा लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ होते हैं, तो इन सबका सॉल्यूशन आज की वीडियो में बताऊंगा, एक सिंपल ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप बढ़िया मोमेंटम वाले स्टॉक्स 2 सेकंड के अंदर पकड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे फास्ट मूवमेंट को पकड़े, और उस फास्ट मूवमेंट को पकड़ने के लिए जो मार्केट के अंदर नए हमारे ट्रेडर्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन वो नहीं देख सकते क्योंकि उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर भी आपको मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो शुरुआत तो देखिए इंडिकेटर से ही होती है, तो इंडिकेटर की सहायता से आपको मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और वो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे बॉलिंगर बैंड्स। अब बॉलिंगर बैंड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहले से प्रॉफिट कमा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम आपको बॉलिंगर बैंड से है, तो वो प्रॉब्लम आप अपनी एक्साइट कर दीजिए। जो तरीका जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इफेक्टिव है, आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकंड देखिए एक चीज़ और है बॉलिंगर बैंड के साथ कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन है इंडिकेटर्स को लेकर के कि इंडिकेटर लेट सिग्नल देता है, और ये जायज़ बात भी है, बहुत सारे इंडिकेटर है लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन हम इंडिकेटर को अगर देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर दे तो आपको फास्ट सिग्नल एक्यूरेट सिग्नल भी इंडिकेटर्स में मिल जाते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे फास्ट एक्यूरेट फास्ट मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे। उसको ज़रा समझने से पहले थोड़ा सा बॉलिंगर बैंड को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है और क्या इसकी कैलकुलेशंस होती है। देखिए बॉलिंगर बैंड में क्या होता है, 3 लाइनें आपको दिखाई देती है। तो एक होती है दोस्तों मिडिल वाली लाइन, कुछ इस तरीके से मिडिल वाली लाइन आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। एक दोस्तों होती है इसके ऊपर वाली लाइन बॉलिंगर बैंड की, तो ये भी कुछ इस तरीके से आपको मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। और एक होती है दोस्तों लोअर बैंड, जिसको लोअर बैंड कहते हैं, वो भी आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है दोस्तों सिंपल है 20 डेज की मूविंग एवरेज, समझ रहे आप, ये है 20 डेज की मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज आप नहीं जानते तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंपल मूविंग एवरेज है क्लोजिंग बेसिस पर। पिछले 20 कैंडल्स में देखिए जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो पिछले 20 ट्रेडिंग डेज, अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है तो पिछले 15 मिनट की कैंडल्स, अब टाइम देख लीजिएगा कितना टाइम हुआ। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो 20 मूविंग एवरेज है वो पिछले 20 दिन का क्लोजिंग पे एवरेज निकाल रहा है। भाई कहाँ का कैंडल क्लोज हुआ, 20 दिन का प्लस करो डिवाइड करो 20 से, जो आएगा वो आपको एक पॉइंट बता देगा, वो पॉइंट जुड़ते चले जाएंगे और एक लाइन बन जाएगी, इसको कहते हैं 20 डेज की मूविंग एवरेज। अब सवाल ये आता है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन क्या कह रही है आपको बॉलिंगर बैंड में, तो ये ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है, ये होता है दोस्तों अपर बैंड, ठीक है, और ये होता है हमारा लोअर बैंड बॉलिंगर बैंड में। आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सेम सेटिंग्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अपर बैंड है वो क्या है, ये दोस्तों डिसाइड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा मैं खुल के इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे,
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी को कैप्चर करके एक स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से एक अपर बैंड बन जाता है। अपर बैंड आपको ये बता रहा है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी अधिकतम कहाँ तक आ सकती है, यानी मार्केट अधिकतम हाई कहाँ तक दे सकता है एज पर वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है, और ये कैप्चर कर रहा है पिछले 20 डेज का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ना कि 20 डेज के अंदर अभी जो वॉलेटिलिटी हो वो आगे आने वाले टाइम पे भी वही वॉलेटिलिटी रहेगी। मार्केट एकदम तेज मूवमेंट देता है, फिर कभी धीरे हो जाता है, फिर तेज देता है, फिर धीरे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही समझिए, ये इसने एक अधिकतम एक हाई की प्रोबेबिलिटी बना दी कि यहाँ तक मार्केट एज पर वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ तक हाई मार सकता है, और ये एक इसने एक लो बना दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट यहां तक लो मार सकता है, और ये कैप्चर कर रहा है 20 डेज का। जो सेटिंग्स आप लगाएंगे इसमें, अगर आप इसमें 10 लगा देंगे सेटिंग, तो 10 डे के हिसाब से देखेगा, 10 कैंडल्स के हिसाब से देखेगा। आप इसके अंदर ज़्यादा कर देंगे तो आपको उस हिसाब से वॉलेटिलिटी और ये कैप्चर आपको बॉलिंगर बैंड आपको देगा। तो ये दोस्तों होता है बॉलिंगर बैंड। अब इसकी सहायता से और प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ऐड करके आप मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को। अब इसको समझने के लिए, समझाने के लिए एक बार मैं लाइव चार्ट के ऊपर चलता हूँ और आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये अच्छे से काम करेगा और बढ़िया मोमेंटम देने में आपकी मदद करेगा। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स सब में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों मेरे बैक में आपको दिख रहा है चार्ट, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेडिंग चार्ट लगाया हुआ है। अब इस ट्रेडिंग चार्ट के अंदर हमें इंडिकेटर लगाना है, और ये मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का, ठीक है। अब इस 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे मार्केट के अंदर दो सेपरेट लाइंस आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि यहां से लेकर यहां तक एक दिन की ट्रेडिंग हो रही है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया है, ठीक है। यहां दूसरा दिन है, यहां दूसरा दिन है, यहां फिर अलग दिन है, ताकि आप थोड़ा सेपरेट रहे, आपको पता लगता रहे कि कहां पर दिन क्लोज हो गया, ठीक है, उससे मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। अब यहां पर देखिए, हम एक बार लेते हैं बॉलिंगर बैंड। तो बॉलिंगर बैंड हमने ये देखिए, हर चार्ट पे कोई भी आपका ब्रोकर हो, नॉर्मल से नॉर्मल चार्ट्स के अंदर बॉलिंगर बैंड्स मिल जाता है। बहुत फेमस इंडिकेटर है, बहुत कॉमन इंडिकेटर है, बहुत अच्छे से लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों लग गया बॉलिंगर बैंड। अब इस बॉलिंगर बैंड की खास बात देखिए, जो खास बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए बॉलिंगर बैंड में हुआ क्या, इसकी जो वॉलेटिलिटी कैप्चर करने की जो पावर है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो ही इम्प्रेस करती है। ये क्या क्या चीज़ आपके लिए खास बताने की कोशिश कर रहा है, आप ये समझिएगा। देखिए बॉलिंगर बैंड में देखिए, बहुत बार ना ये क्या होगा, बिल्कुल चौपी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा सिकुड़ गया है, जब ये सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गई है। क्या हो गई है? साइडवेज हो गई है, या मार्केट इसको हम कह देते चौपी हो गई है, इसको चौपी मार्केट भी कहते हैं। यानी मार्केट ना तो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रही है, ना मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे रही है, तो ये क्या हो गई है? साइडवेज मार्केट हो गई है, क्योंकि तीनों लाइनें लगभग आसपास में आ गई है। लेकिन ठीक अगले दिन अगर हम देखें तो ये देखिए कितनी वाइड हो गई है, और साथ में नीचे भी जा रहा है। देखिए अभी क्या थी, ये सीधी लाइन थी, बीच वाली लाइन, अब ये लाइन देखिए थोड़ा सा नीचे जा रही है, टेढ़ा जा रही है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर जी वॉलेटिलिटी तो इंक्रीज हो गई है, साथ साथ में मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये क्या है? डाउन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहां पर कहीं ना कहीं आपको वीकनेस दिखा रहा है, ठीक है। ठीक इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें, मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तो कैसे दिखाई देगा? यहां पर देखिए, अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए अब बीच वाली लाइन आपको कुछ ऐसे ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, और वॉलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर आ गई है, तो ये लाइन आपस में खुल गई है। तो ये जो सिनेरियो, ये आपका सिनेरियो या बुलिश सिनेरियो बनता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से बॉलिंगर बैंड को हम देखते हैं, बॉलिंगर बैंड की सहायता से मार्केट की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, कोई इसके अंदर मुश्किल है? मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी इसको समझ सकता है, ठीक है। आपस में लाइन मिल गई, वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, लाइन आपस में वापस खुल गई है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ गई है। अब देखिए बहुत सिंपल सा हमारे पास एक क्वेश्चन पैदा होता है यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्केट के अंदर मूवमेंट कब आती है? मार्केट के अंदर दोस्तों मूवमेंट तभी आती है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना।
कहीं ना कहीं स्ट्रांग बाइंग हो, स्ट्रांग सेलिंग हो, तभी मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। और मोमेंटम आने से पहले मार्केट क्या करती है, मार्केट शांत होती है। तो बॉलिंगर बैंड की यही खास बात है कि तूफान आने से पहले की जो शांति है वो आपको इंट्रोड्यूस करता है। तो तूफान आने से पहले की शांति कहाँ मिल रही थी, देखिए तूफान आने से पहले की शांति ये थी, ठीक है, और उसके बाद तूफान आया, मार्केट तेजी से ऊपर गया। अब यहां पर देखिए, तूफान आने से पहले की शांति ये थी, ठीक है, उसके बाद तूफान आया, मार्केट तेजी से नीचे गया, राइट। तूफान आने से पहले की शांति दोस्तों ये थी, उसके बाद तेजी से मार्केट नीचे गया। तो बॉलिंगर बैंड जब पास पास में आ गया है, जब तीनों लाइन पास पास में आ गई है, तो ये तूफान से आने से पहले की शांति है। तो शांति में कोई ट्रेड नहीं लेना, तूफान आने की थोड़ी सी आहट आपको चाहिए। और तूफान आने की आहट आपको कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, वो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब उसमें आपका पूरा लॉजिक आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बॉलिंगर बैंड और प्राइस एक्शन को देख करके आप मार्केट के अंदर फास्ट मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज। अब इसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ जाता है अपर बैंड एंड लोअर बैंड। अपर बैंड मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें यूज होती है, मैं एक बार सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ बॉलिंगर बैंड की, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो यहां देखिए ये हमारे पास सेटिंग आ गई है, तो यहां देखिए लेंथ है 20 मल्टीप्लाई 2 से करें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैं इसको कम ज्यादा भी कर सकता हूं, लेकिन ये जो दो स्टैंडर्ड डेविएशन है बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर स्टाइल्स में जाएंगे, थोड़ी सेटिंग्स वगैरह आप कलर वगैरह जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की। अब आपको दोस्तों आपको फोकस करना है मार्केट में, शांति तो आपको दिख जाएगी, बहुत बार आपको शांति दिख जाएगी, मार्केट में शांति बनी हुई है। आपको फोकस करना है ऊपर वाले बैंड पर और नीचे वाले बैंड पर। जब मार्केट के अंदर शांति बनी हुई है, कम से कम देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, लेकिन आप बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर है, ऐसे ट्रेडर है जो थोड़ा सा फास्ट सिग्नल कैप्चर करना पसंद करते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। 15 मिनट का एक सफिशियंट और एक रिलायबल टाइम फ्रेम है। चलिए तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम से मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट के अंदर शांति हो आप फोकस करिए क्या मार्केट अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। अपर बैंड के ऊपर अगर क्लोजिंग कर रहा है तो यहां से आपको अंदाजा मिलता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट उस डायरेक्शन में दे सकता है। और अगर मार्केट नीचे वाले बैंड पर लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, लोअर बैंड के नीचे जा रहा है, तब आपको अंदाजा मिलता है कि मार्केट अब तेजी से नीचे गिर सकता है। ये सिंपल सा प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मैजिकल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें ना तो हमने कोई डिले करा और कुछ भी नहीं करा, मार्केट इंस्टेंट मूवमेंट कर रहा है, बॉलिंगर बैंड पीछे लगा हुआ है और आप इंस्टेंट कैप्चर कर पा रहे हैं मोमेंटम को। तो यहाँ पर देखिए शांति हो रखी थी, शांति होने के बाद मार्केट इज सडनली कोई मूवमेंट अगर दे रहा है तो आप उसको कैप्चर करेंगे, आप उसको कैप्चर करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बैंक निफ्टी के दिखाने वाला हूँ। अब उसके बाद आप बैंक निफ्टी पे लगाए, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे लगाए, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टॉक्स वगैरह पे भी लगा करके ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से बढ़िया चीज़ दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर कौन से बैंड को क्लोजिंग पे तोड़ा है, आप यहाँ पर देखिए इस पूरे इस पे देखिए कौन सी कैंडल ने क्लोजिंग पे तोड़ा है। तो मुझे एक कैंडल दिखाई दे रही है ये वाली, इस कैंडल ने क्लोजिंग पे लोअर बैंड को तोड़ा है, अदरवाइज इससे पहले किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग वाइज नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा था लेकिन क्लोजिंग नहीं दी थी ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल हमें मिली जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब यहां पर देखिए क्या है, जब मार्केट कोई क्लोजिंग देती है बैंड के नीचे या ऊपर, तो इसने बैंड के नीचे दी तो उसको एक बार क्लोज हो जाने दीजिए। क्लोज हो जाने के बाद इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, जो इस कैंडल ने ब्रेक करा, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी मोमेंटम जो है वो सही से तब पकड़ पाएगा। और देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट आई कुछ ही कैंडल्स के अंदर, देखिए मार्केट बहुत नीचे आ गया। यहाँ देखिए 200-300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे गिर गया, जिसके अंदर ऑप्शंस के जो प्राइजेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके होंगे इन द मनी वाले, तो ठीक है। इसका स्टॉप लॉस देखिए आइडली क्या बनता है, अगर आपको स्टॉप लॉस भी कैप्चर करना है तो इस कैंडल का हाई, मतलब इस कैंडल का अपोजिट डायरेक्शन, ये जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना बीच वाले, यहां पर आप ट्रेल कर सकते हैं।
अब यही चीज आप फोकस करके मार्केट के अंदर बढ़िया प्राइस एक्शन फोकस कर सकते हैं। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये प्राइस एक्शन मोमेंटम कैप्चर करने की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको अब उसके बाद कोई कस्टमाइजेशन करनी है आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको एक चीज बताई है जिससे आप मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। चलिए यहां पर देखिए, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने अपर बैंड का हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद ये देखिए अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी के अंदर आप ये देखिए मोमेंटम, देखिए कितना स्ट्रांग मोमेंटम है। एंटायर डे बैंक निफ्टी ऊपर गया है, लगभग 500-600 पॉइंट की मूवमेंट उस दिन मिल गई थी। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना था इस कैंडल के लो पे, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, जैसे ही इस स्टॉप लॉस के ऊपर ये वाली लाइन आ जाए तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके जा सकते हैं। मजा आ रहा है आपको? कितना सिंपल ट्रिक है, कितना इजी ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बहुत बार स्टॉप लॉस लगेंगे, ये मत सोचिए कि स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे। यहाँ देखिए मार्केट ने हाई ब्रेक करा, इसके ऊपर भी मार्केट चला गया, बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं आई। उसके बाद देखिए ये जो स्टॉप लॉस था यहाँ जाके ट्रिगर हो गया। होगा ऐसा, ट्रिगर होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, इसका लो तोड़ा और इस कैंडल का स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। बहुत बार होगा, लेकिन दोबारा आपको अगेन ट्रेड मिला उसी दिन। मार्केट ने अपर बैंड का हाई ब्रेक करा और बढ़िया मोमेंटम, अगर आप देखेंगे इस कैंडल के डेढ़ गुना आपको मोमेंटम मिल गया कुछ ही कैंडल्स में। तो ये मोमेंटम आपको मिलना था, वो आप कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद देखिए यह मार्केट ने लो ब्रेक करा, इसका ये लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग करा, उसके बाद देखिए लो ब्रेक हो गया, बढ़िया 3-4-5 कैंडल नीचे गिर गई, पैसा बन जाता। यहाँ देखिए मार्केट ने लो ब्रेक करा, मोमेंटम खास नहीं आया, लेकिन मार्केट इसके खास ऊपर भी नहीं गया। तो जहाँ आपने ट्रेड लिया था उसमें बहुत थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लेते और वो स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाते। यहाँ देखिए अब ये देखिए ये कैंडल कोई रेलिवेंट नहीं थी, ये रेड कैंडल होनी चाहिए थी, नीचे क्लोज करना चाहिए था, इसने ऊपर क्लोज नहीं करा। फर्स्ट कैंडल हमें ये मिली जिसने लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद देखिए कितना शार्पली मार्केट गिर गया। तो जो पीछे आपके 2-4 स्टॉप लॉसेस लगे थे ना छोटे छोटे, ये इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट आपको यही मिल जाता। आप देखिए प्रॉफिट देखिए कहाँ तक मार्केट नीचे चला गया, कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट में नीचे की तरफ आ गया। तो ये देखिए किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब मार्केट गिरता है ना तो तेज़ी से गिरता है, तो जब मार्केट में नीचे का लोअर बैंड टूटे तो थोड़ा सा टारगेट बड़ा रखिएगा, अपर बैंड में थोड़ा सा टारगेट छोटा रखिएगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है पैनिक आता है, फेयर आता है, मार्केट तेज़ी से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोई सिग्नल मिल रहा है, अब ये देखिए ये ऊपर क्लोजिंग करी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसने लो ब्रेक करा, ये क्लोजिंग दी, लो ब्रेक हो गया, मार्केट गिर गया, पैसा बन गया, दिन खत्म हो गया, ट्रेडिंग डे खत्म हो गया, पैसा बनाकर ही बाहर निकलते। यहाँ देखिए यहाँ पर शायद आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, अगर आपका यहाँ तक प्रॉफिट नहीं आया तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ आपको मिला लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यहाँ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्लोजिंग आ गई इस अपर बैंड के ऊपर, इसके हाई पे खरीदते। आपके 30 मिनट के अंदर आपका जो ये स्टॉप लॉस था उसके 2 गुना आपको प्रॉफिट मिल गया। देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल नहीं है। यहाँ देखिए इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड ही नहीं मिला, यहाँ इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला, यहाँ इसका हाई ब्रेक हो गया, ट्रेड मिल गया, पैसा भी बनता, थोड़ा बनता लेकिन पैसा बनता। यहाँ देखिए लो ब्रेक हुआ मतलब क्लोजिंग दी लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला, यहाँ मिलता लेकिन शायद थोड़ा बहुत आपको लॉस हो जाता। यहाँ देखिए एक आपका लॉस लगता इधर, एक आपका लॉस लगता इधर, 2 लॉस आपके लग गए, फिर आपको एक ट्रेड मिलता, ये दोनों लॉस आपके ये वाला ट्रेड कवर कर जाता। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम था 2-3 कैंडल में, ये दोनों लॉस आपके कवर हो जाने थे। यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर मिला लेकिन क्लोजिंग के टाइम मिला तो कोई बेनिफिट था नहीं। यहाँ देखिए इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला। देखिए जहाँ तक मार्केट है साइडवेज रहा बहुत बार, यहाँ देखिए बड़ा मोमेंटम, ये देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, बढ़िया मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहाँ बड़ा पैसा बना पाते। यहाँ देखिए मार्केट ने हाई ब्रेक करा, बहुत बड़ा पैसा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आज के दिन जरूर बनता। और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लोजिंग यहाँ पर आई है, हाई ब्रेक हो गया, थोड़ा बहुत पैसा बनाकर आप निकल पाते यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका थोड़ा बहुत पैसा बनता, पैसा निकाल पाते। यहाँ देखिए हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे,
यहाँ देखिए लो ब्रेक करा, नीचे भी गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, पैसा नहीं बना और वापस देखिए ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे और आप इन एग्जांपल्स को देख करके मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बार आपको इतनी बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी कि आपके जो चार पांच स्टॉप लॉस भी लगे होंगे वो भी मार्केट के अंदर कवर अप हो जाएंगे। एक ही ट्रेड के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर्स करते हैं तो भी आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी आप जाकर के कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडिंग को, अगर आप कैश कंपोनेंट के अंदर ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोमेंटम पकड़ना आपको आ गया। अब मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट निकालने की सोचना है और जब आप गलत हो मार्केट के अंदर छोटे लॉस में निकलने की सोचना है। देखिए मार्केट के अंदर कोई भी एनालिसिस आप कर लो, एनालिसिस से पैसा नहीं बनता। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ बहुत सिंपल चीज़ें सिखाता हूँ, एनालिसिस स्ट्रेटजी सीख कर पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा बनेगा जब आप मार्केट में सही हो तो बड़ा निकालना है पैसा, बड़ा प्रॉफिट कमाना है। जब आप मार्केट में गलत होते हो तो छोटे लॉस के अंदर आपको बाहर निकलना है, लेकिन वो रेलिवेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़ लीजिए, आप उसका बैक टेस्ट करिए पिछले 3 महीनों का। 3 महीने में देखिए कि कितने कितने पॉइंट्स जब मार्केट में बोलिंजर बैंड अपर बैंड टूटा तो मैक्सिमम कितने ऊपर तक वो प्रॉफिट आपको देके गया और जब स्टॉप लॉस लगा तो कितना गया। तो उन सारे पॉइंट्स को कॉपी में लिखिए कि भाई इतना इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा और इतने इतने पॉइंट्स हमने गेन करे, तो ऑल ओवर दोनों को माइनस करके बचा कितना। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मार्केट के अंदर आप काम कर पाएंगे। बाकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव करने से पहले आपको हमेशा पेपर ट्रेड करना चाहिए, छोटे से अमाउंट से ट्राई करना चाहिए। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाओ तब तक आप किसी भी चीज़ से पैसा नहीं बना सकते। तो पैसा अगर बनाना है रिसर्च करिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, छोटे अमाउंट पर ट्राई करिए, इतना अमाउंट हो कि पूरा अगर चले जाए तो आपको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो धीरे धीरे पैसों को बढ़ाना चाहिए। अगर इतना आप काम करेंगे तो सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।